हेलो एवरीवन वेलकम टू सरोज मिश्रा चैनल में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है और काफी अच्छी वैकेंसीज हैं लगभग सभी पोस्ट सभी सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे इसमें ट्रेंड जो कैंडिडेट है मतलब जिनके पास टीचर ट्रेनिंग है वो तो अप्लाई करेंगे ही अप्लाई कर ही सकते हैं बाकी जिनके पास कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं है मतलब प्लेन ग्रेजुएट है या प्लेन पोस्ट ग्रेजुएट है वो भी यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं और सभी के लिए सैलरी मेंशन किया हुआ है क्लियर तो वो क्लैरिटी है सैलरी के बारे में सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आप सिर्फ मास्टर डिग्री होल्डर हैं या फिर आप सिर्फ ग्रेजुएट हैं तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे बिना किसी टीचर ट्रेनिंग के चलिए बाकी डिटेल आगे वीडियो में आपको चेक करना होगा स्क्रीन ले सकते हैं डिटेल्स या फिर नोट डाउन कर सकते हैं हिंदुस्तान लाइव में पब्लिश हुआ है एडवर्टीजमेंट ग्यारह अगस्त दो च्वार्थ 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 को इलेवेंथ अगस्त टू को न्यूज़पेपर पेपर एडवर्टीजमेंट की इमेज आपके साथ शेयर की जा रही है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आगे तो ये स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो मेन बिल्डिंग है कैंपस है वो ऐसे सामने दिखाई दे रहा है प्लेग्राउंड वगैरह है मॉडर्न इंग्लिश स्कूल चलिए अभी एडवर्टीजमेंट चेक कर लेते हैं अगर आप में से किसी कैंडिडेट ने यहाँ ऑलरेडी काम किया है तो बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस सैलरी वाइज वगैरह शेयर कर सकते हैं तो पहले जो पोस्ट है वो है प्रिंसिपल की जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपके पास है किसी भी सब्जेक्ट से एंड बी एंड एन फाइव ईयर एक्सपीरियंस है, न्वीड़ है, न्वीड़ है न्वीड़ तो फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड मतलब ये हो गया आपका सिक्स पे कमीशन के हिसाब से अच्छी सैलरी हो जाएगी इसकी वाइस प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट बी एड एंड थ्री ईयर एक्सपीरियंस है तो ये सभी सिक्स पे के uh, अभी सेवन पे चल रहा ना गवर्नमेंट सेवन पे स्केल है और ये सिक्स पे के हिसाब से है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज एंड फाइन आर्ट पीजी होना चाहिए एंड बीएड एड अब जैसे कि फाइन आर्ट के लिए बीएड एड नहीं बी होगा तो चलता है तो इसमें जो आ, ट्रेंड टीचर हैं उनको बीएड मांगा है सी टेट वगैरह तो मांग नहीं रहे तो ट्रेनिंग है अगर मतलब टीचर ट्रेनिंग मतलब बीएड है तो पेस्के लेंगे नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड वगैरह के तो इसके हिसाब से साठ साठ पैंसठ हजार सिक्सटी फाइव थाउजेंड मिनिमम सैलरी बनेगी और अगर खास बात यह है कि अगर आप अनट्रेंड है अनट्रेंड मतलब ओनली पीजी है अनट्रेंड है तो भी पचास हजार रुपए अगर शॉर्टलिस्ट हो गए फाइनली सेलेक्ट हो गए तो अन मतलब ओनली पीजी है तब भी आपको पचास हजार रूपये पर मंथ देंगे इसी तरीके से टीजीटी के लिए भी है और पीआरटी के लिए भी है कि विदाउट टीचर ट्रेनिंग वाले कैंडिडेट्स जो है अनट्रेन जो है उनको टीजीटी के लिए तीस हजार रूपए पर मंथ दिया जाएगा और अगर आप uh, आपके पास टीचर ट्रेनिंग होगी तो ग्रेड पे वगैरह स्केल वगैरह देंगे जिसके हिसाब से फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी सैलरी बनेगी मैथ साइंस सोशल स्टडीज हिंदी इंग्लिश आई संस्कृत एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर ठीक इसी तरीके से पीआरटी के लिए भी है पीआरटी के लिए मैथ साइंस सोशल स्टडीज हिंदी इंग्लिश आई टी ग्रेजुएट विद डीएलएड या डीएड है तो अगर अनट्रेन है मतलब सिर्फ ग्रेजुएशन है आपका रिलेटेड सब्जेक्ट में सिर्फ ग्रेजुएट है तो आपको पच्चीस हजार रुपए पर मंथ मिलेगा और अगर आप ग्रेजुएशन के साथ में डीएड या डीएलएड होल्डर हैं तो बेसिक पे वगैरह देंगे ग्रेड पे वगैरह देंगे सब कुछ देंगे तो उसके हिसाब से सैलरी फोर्टी फाइव थाउजेंड के अराउंड बनेगी जो वैकेंसीज आई हुई है वो है मॉडर्न इंग्लिश स्कूल से ये कुंती नगर नवादा डिस्ट्रिक्ट नवादा बिहार में है तो नवादा जिले में है बिहार से वैकेंसीज आई अब अगर आप में से किसी कैंडिडेट ने यहाँ काम किया हुआ है तो आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कर सकते हैं ई मेल आई डी इन्फो एट द रेट एमईएस मतलब मॉडर्न इंग्लिश स्कूल तो शॉर्ट में एमईएस नवादा डॉट कॉम नवादा जगह का डिस्ट्रिक्ट का नाम आ, है अब चलिए फिर से एक बार कवर कर लेते हैं प्रिंसिपल की पोस्ट है बीएड होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में पांच साल का एक्सपीरियंस पन्द्रह का अगर ग्रेड पे वगैरह मतलब पे स्केल और ग्रेड पे सात सैलरी बहुत अच्छी बनेगी सत्तर हजार के अराउंड तो आराम से बनेगी सेवेंटी थाउजेंड सेवेंटी फाइव थाउजेंड वाइस प्रिंसिपल की भी पोस्ट है तीन साल एक्सपीरियंस बीएड एंड पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए पीजीटी के लिए मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज फाइन आर्ट पीजी अगर ओनली पीजी रहेंगे अगर ओनली मास्टर डिग्री है सिर्फ पीजी है तो पचास हजार रूपया पर मंथ मिलेगा और अगर पीजी के साथ बीएड किया हुआ है तो फिर बेसिक पे वगैरह देंगे ग्रेड पे और अलावेंसेज वगैरह देंगे तो सैलरी ऑब्वियसली अनट्रेंड को पचास हजार देने तो ट्रेंड को तो पचास हजार के ऊपर ही देंगे ना तो टीजीटी के लिए अगर अनट्रेन है सिर्फ ग्रेजुएट है रिलेटेड सब्जेक्ट में ये जो सब्जेक्ट बताया इनमें से किसी एक में आप सिर्फ ग्रेजुएट हैं तो थर्टी थाउजेंड पर मंथ देंगे फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए तो वैसे भी बी एड नहीं लगता है ओनली ओनली बीपेड है तो चलेगा अनट्रेंड है बाकी सभी सब्जेक्ट में भी अनट्रेंड है ओनली ग्रेजुएट है तो तीस हजार पर मंथ देंगे पीआरटी में भी अगर अनट्रेंड है ओनली ग्रेजुएट है तो पच्चीस हजार पर मंथ देंगे अगर टीचर ट्रेनिंग के साथ आप अप्लाई करते हैं ग्रेजुएशन प्लस बीएड तो सैलरी मैंने बताया पचास हजार फिफ्टी अराउंड हो जाएगा एंड पीआरटी के लिए फोर्टी फाइव थाउजेंड अगर ग्रेजुएशन के साथ में डीएड या डीएलएड है तो और अगर ओनली ग्रेजुएट है रिलेटेड में से किसी भी सब्जेक्ट में ओनली ग्रेजुएट है तो पच्चीस हजार रूपये पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी तो खूब क्लियर कर दिया ट्रेन और अन दोनों अप्लाई कर सकते हैं अब अप्लाई कैसे करना है ये देख लेते हैं स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बिल्डिंग है वो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया कहाँ पे पब्लिश हुआ हिंदुस्तान लाइव्स में पब्लिश हुआ ग्यारह अगस्त को कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू बी प्रेजेंट फॉर इंटरव्यू रिटर्न एंड ओरल तो रिटर्न टेस्ट होगा ओरल टेस्ट होगा सभी फोटो आपको लेने हैं जितने भी टेंथ ऑनवर्ड्स पासिंग सर्टिफिकेट है मार्कशीट है ईयर वाइज सेमेस्टर वाइज आपके जो आधार कार्ड या पैन कार्ड वगैरह जो भी रहेगा वोटर आईडी जो भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ टू पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ट्वेंटी फिफ्थ ऑगस्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी बजे सुबह में आपको मॉडर्न इंग्लिश स्कूल कुंती नगर तो ये नोट में जो आपको दिया है ना यहाँ पर से आपको नोट डाउन करना है तो अप्लाई नहीं करना है डायरेक्ट आपको स्कूल जाना है कुंती नगर नवादा डिस्ट्रिक्ट नवादा बिहार एट जीरो फाइव डबल वन जीरो गूगल मैप पे आप इसको लोकेट कर लें टीएडीए कुछ भी नहीं दिया जाएगा आपको अपने कॉस्ट पे जाना होगा 25 अगस्त 2024 को सुबह दस बजे मॉडर्न इंग्लिश स्कूल आपको पहुंच जाना है और आपको सारे फोटो कैरी करने हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कैरी करना है बायोडेटा कैरी करेंगे और चले जाएंगे 25 अगस्त को वॉक इन इंटरव्यू के लिए सुबह दस बजे के पहले ही पहुंच जाए थोड़ा रेसिडेंशियल वगैरह फैसिलिटी अवेलेबल ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें बाकी आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी आई होप